वहीं सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा था। समाज के एक तबके ने सीरीज पर लोगों की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया था। काफी हंगामे के बाद सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अली अब्बास जफर ने माफी भी मांगी थी। उनके बाद अमेजोन प्राइम वीडियो की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा था। समाज के एक तबके ने सीरीज पर जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। काफी हंगामे के बाद सीरीज के निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी है। वहीं काफी हंगामे के बाद सीरीज के निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांगी थी। उनके बाद अमेजोन प्राइम वीडियो की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेजोन प्राइम वीडियो की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, उसमें लिखा है कि अमेजोन प्राइम वीडियो को अत्यंत खेद है कि दर्शकों को हाल ही में लॉन्च की गई काल्पनिक सीरीज तांडव के कुछ दृश्य आपत्तिजनक लगे हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था और इस बात से अवगत कराए जाने पर उन आपत्तिजनक दृश्य को या तो हटा दिया गया या फिर संपादित किया गया है। हम अपने व्यूअर्स की विविध आस्थाओं का सम्मान करते हैं और उन दर्शकों से क्षमा याचना करते हैं जिन्हें ठेस पहुंची है। हमारी टीमें कंपनी के विषय मूल्यांकन विधियों का अनुकरण करती हैं और हम मानते हैं कि दर्शकों की बेहतर सेवा के लिए समय समय पर इन विधियों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। हम भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हुए और हमारे दर्शकों की संस्कृति और आस्थाओं का सम्मान करते हुए अपने सहयोगियों के साथ आगे भी मनोरंजन विषय विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, अमेजोन से पहले अली ने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा पोस्ट काल्पनिक है और हमारे टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तांडव के कलाकार क्रू की चिंता को ध्यान में रखते हुए हम माफी मांगते हैं। वही तांडव के कुछ सीन्स को लेकर लोगों ने काफी हल्ला मचाया था। सबसे अधिक विवाद जीशान आयुब और उनके एक सीन को लेकर देखने को मिला था। सीरीज में सबसे अधिक जीशान आयुब के एक वीडियो को शेयर किया गया था जहां पर वो भगवान शिव बनकर कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में जीशान कैंपस के छात्रों की आजादी की बात कर रहे हैं। वही सीन को लेकर संत समाज सहित कई लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी तांडव के एक्टर्स और मेकर्स पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अली अब्बास जफर को तांडव सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाले हिस्सों को हटाना होगा। विधायक ने साथ ही ये भी कहा था कि जब तक सीरीज में जरूरी बदलाव नहीं होते हैं तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।